नमस्कार, के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना मद्देसिया और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। रुपेश हत्याकांड के सवालों पर बोली डिप्टी सीएम, थोड़ा समय दीजिए, जल्द होगी हत्यारों की गिरफ्तारी। खबर बिहार के गया से है, जहां पर बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। वही बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड पर मीडिया के पूछे गए सवाल पर पुलिस का बचाव करती नजर आई। वही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस काफी सक्रिय है, अपराधी आकाश या पाताल में रहे उनका पता करके उसे गिरफ्तार कर रही है। डिप्टी सीएम ने जिले के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की घटना और रुपेश हत्याकांड में बिहार पुलिस की बचाव किया और कहा कि धीरे धीरे हत्याकांड के राज से पर्दा खुलता जाएगा। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे सरकार के सकारात्मक कार्यों पर शाबाशी भी देना चाहिए और जहां गलती हो उसे उजागर करना चाहिए। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। तुरंत पकड़ा जाता है, आप देखते होंगे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हमारी पुलिस इतनी सक्रिय है, हमारा प्रशासन इतना सक्रिय है कि अगर कोई भी कांड करता है उसे पकड़ने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। वो पकड़ा जाएगा और उसको जो है, चाहे वो आकाश पाताल कहीं भी हो, उसको पकड़ के और उसकी जो सजा होती है वो सजा। रुपेश हत्याकांड में कहां पुलिस की सक्रियता है? रुपेश हत्याकांड का तो उद्भेदन आपको मिल ही रहा है, वो पकड़ा ही जाएगा। वो ठेकेदारी का मामला था, वो आपको ऊपर आ ही रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ, और धीरे धीरे पर्दा खुलते जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं, थोड़ा समय तो आप देंगे। देखिए, कभी भी सरकार में आप लोग चौथे स्तंभ है, तीसरे स्तंभ है, और तीसरे स्तंभ को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मैं सब आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करके आग्रह करना चाहती हूँ कि देखिए, जो अगर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, उससे जरूर चाबाशी देनी चाहिए। जहाँ गलती है उसे आपको उजागर करना चाहिए। मैडम, सरकार दावा पहले करती थी कि 5 घंटे में राजधानी पहुँच जाएंगे कहीं से भी, अब दावा कर रही है कि 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। पर मैडम, गया पटना की 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय होनी चाहिए, 4 घंटे में हो रही है। ये बताइए कि अभी हमारा 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहले हम कितने देर, अभी तो आज 4 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन जब 15 साल पहले हम थे तो कितने घंटे में पहुंचते थे, इसकी पहले हमको कल्पना बताइए। मैं 15 साल स्थिति जस के तस में, अब 15 साल, जब 8 से 10 घंटे में, अब हम 4 घंटे में पहुंचते हैं, और जब मेरा पूरा 4 लेन 6 लाइन जो बन रहा है आपके यहाँ, चाहे वो जहानाबाद से हो, वहाँ डोबी हो, चाहे इधर गया के साइड से हो, तो ये सब जो रोडें बन रही है, तो निश्चित रूप से हम 2 घंटे और 3 घंटे के भीतर आएंगे, कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक हमारी जो है उसमें दिक्कत है, कोई समय सीमा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समय सीमा तय करते हैं, उस समय सीमा के भीतर हम काम करेंगे। मैडम, आपके सहयोगी गए हैं दिल्ली, आपके सहयोगी दिल्ली गए हैं उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर जी, और कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे सहयोगी अपनी निजी काम से भी जा सकते हैं, और मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। ऐसा थोड़ी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक सवाल, आपकी जनता जानना चाहती है, प्रकाश आता रहा यार, जानना चाहती है इसी महीने में होगा मंत्री, इसी महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप बोलिए, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। इसमें विलंब का कारण क्या है? कोई विलंब का कारण नहीं, अपनी काम चल रहा है, अभी हमारे जो है विस्तार हो रहा है, हमारा और विस्तार होगा, इसमें कहीं की कोई दिक्कत नहीं। तो ये जानना चाह रही है कि बार बार ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी? देखिए, ये NDA की सरकार है, ये ऊपर को कहीं नहीं है। ये समझ लीजिए कि जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया है, और ये जो है NDA की सरकार 5 साल तक चलेगी। ये कभी इधर बीच में कहीं भी किसी के मन में कोई भाव हो वो हटने वाली है। नीतीश कुमार जी रहेंगे? नीतीश कुमार जी को हमने नेता ही माना है, तो नीतीश कुमार जी रहेंगे हमारे नेता। नीतीश कुमार जी है, उनको छोड़ के हम किसको नेता माने। मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मंत्री जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, ऐसा कुछ तो पता नहीं हो, तो जब समय आएगा तो। धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं बिहार के पटना की ओर, जहां पर मुंगेर का बहुचर्चित दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान छात्र अनुराग पोद्दार का पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में हुई निर्मम हत्या के परिणाम स्वरूप उग्र आंदोलन से मुंगेर दहल उठा था। तब चुनाव आयोग के आदेश पर मुंगेर के DM राजेश मीणा, SP लिपि सिंह के स्थानांतरण एवं 4 थानों के थानेदारों के निलंबन की कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रित हो सका। लेकिन मृतक अनुराग पोद्दार के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिलने एवं दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के बाद
बदले मामला को रफा दफा करने के साजिश को देखते हुए मुंगेर विधानसभा के पूर्व आरजेडी प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव के नेतृत्व में मृतक अनुराग के माता पिता एवं बहन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर मिलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुंगेर एसपी को लंबित केस में प्रगति लाने को कहा और अगले विधानसभा सत्र में मामला उठाने का भी आश्वासन दिया। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। परिजन आए हुए थे हमारे पास, पहले तो शायद मन्नू महाराज शायद वो कमेटी मरीज की तो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो यहाँ लोग आए हुए हैं तो उन लोगों के साथ तो थोड़ा अन्याय हो रहा है। आप शायद अभी आए हैं तो आप देखिए, आप आपकी तरह है उसका शो करके थोड़ा कार्रवाई कर रही है। ठीक, एक बार मिल भी लीजिए इन लोगों से। इनके बाबू जी का नाम है अमरनाथ जी, मिल रहे हैं। जी सर, वो दो बार मिले हैं, बुलाएंगे।